दोस्तों जी, होली आ रही है तो होली में हम बनाएंगे मिठाई। मिठाई में जो घर में बनी हो तो वही मिठाई खानी चाहिए, क्योंकि त्यौहार के टाइम वैसे भी मिक्स इतना मिलावट आती है बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, आधा कप पानी लिया, उसमें 1-1.5 चम्मच चीनी डाल दी है, उसको उबलने के लिए रख दिया। उसमें थोड़ा सा हल्दी का टुकड़ा डाल के, ठीक है, कलर का मतलब फूड कलर का इस्तेमाल ना करें, कम करें, इससे भी बहुत अच्छा कलर आता है हल्दी से, कच्चे हल्दी से। उसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स कूट लिए हैं। उसके बाद ये ली है घर की हुई, मतलब घर में जो मलाई बच जाती है वो, और ये फ्रिज की ठंडी मलाई है, और इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें दो चीज़ें और ऐड करेंगे, वो है इसमें पिसी हुई ये चीनी, और इसमें हम डाल देंगे नारियल, ये नारियल का जो पाउडर होता है वो, ये देखिए, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, एकदम गाढ़ा सा हो गया। अब क्या करेंगे, हम घर में जो ब्रेड होती हैं उनको लेंगे और एक किसी भी ढक्कन से, तो आप इस प्रकार ये काट देना, क्योंकि मैं छोटी छोटी बना रही हूँ, आप चाहे तो गिलास भी ले सकते हो, कटोरी भी ले सकते हो। तो मैंने सारे ये पीस काट दिए हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, जो हमने ये मलाई का बैटर बनाया था ड्राई फ्रूट्स के साथ, उसको हम धीरे धीरे करके इन सब पे लगा देंगे, ये देखिए, और उसके ऊपर एक ब्रेड और रखेंगे और इसको अब दबा देंगे। दबाने के बाद क्या करेंगे, जो मैंने चाशनी बनाई थी उसमें इसको डिप करेंगे, थोड़ी देर के लिए डिप करेंगे, ज़्यादा देर ना करें, ये देखिए, फटाफट इसको ऐसे डिप कर देंगे। और कलर देखिए जी, केसर से भी अच्छा आता है। और फूड कलर इस्तेमाल ना करें आप, कोई भी घर की मतलब वेजिटेबल्स इतनी होती हैं उनका कोई भी आप कलर डाल सकते हो इसमें। तो ये देखिए, इसको थोड़े से चाशनी को निकाल देंगे, उसके बाद ये देखिए बन के तैयार हो गई है। अब इस पर थोड़ा गार्निश के लिए थोड़ा सा कुटी हुई है मैं पिस्ता और थोड़े से बादाम है वो चिपका दूंगी, और उसके बाद ही बन के तैयार होगी हमारी मिठाई। तो दोस्तों कैसी लगी, अच्छी लगी ना? आप इसे फ्रिज में ठंडा करिए पहले, फिर खाएं। मैं तो आपको फ्रेश बनाई हुई फटाफट दिखा रही हूँ, तो ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, अच्छी थी, और काफ़ी मतलब मज़ा आ गया था। मैंने तो देखो मेरी चम्मच रुक ही नहीं रही, ये देखें। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें और वीडियो को शेयर जरूर किया करें, और ख़ुद भी ये डिशेज़ बना के खिलाया करें, खाएं और खिलाएं। धन्यवाद आप सभी।